गर्मियों का मौसम चल रहा है और आम का भी सीजन है, तो कुछ ठंडा और मैंगोलिशस बनाना तो ज़रूर बनता है। आज हम बनाएंगे रिच क्रीमी मैंगो कुल्फी आइसक्रीम, वो भी घर पे अवेलेबल होने वाले बेसिक 3 इंग्रेडिएंट से, और हम देंगे इसे काफ़ी अनोखा ट्विस्ट। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। हमें लगेगा 1 लीटर फुल फैट मिल्क, 15 चम्मच शक्कर और 3 आम। हमें आम को अच्छे से धो लेना है और उसका ऊपर वाला पार्ट हमें अच्छे से कट कर लेना है, थोड़ा वाइड ही रखना है इसे। फिर हम चाकू और चम्मच की मदद से गुठली को लूज करके इसमें से सेपरेट कर लेंगे। आप चाहो तो ये प्रोसीजर स्किप कर सकते हो। हम जो आइसक्रीम का मिक्सचर बनाएंगे वो आप आइसक्रीम के मोल्ड में या फिर एयरटाइट कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हो। अगर आपको आपके आइसक्रीम को यूनिक ट्विस्ट देना है तो आप ये प्रोसीजर फॉलो करिए। तीनों आम में से मैंने गुठलियाँ निकाल दी है, अब इसके ऊपर वाले पार्ट से हम इसको कवर करेंगे। फिर हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने यहाँ पे मैंगो का पल्प एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसे हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमने लिए थोड़े से फाइनली चॉप मैंगो के पीसेस। 1 लीटर फुल फैट मिल्क को हमें बॉईल करने के लिए रख देना है। हमें इसे 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बॉईल करते रहना है। हमें इसे बीच बीच में स्टर करते रहना है और वेसल के साइड्स पे जो क्रीम स्टिक हो रहा है उसे हम इसमें मिलाकर मिक्स करते रहेंगे। मैंने बोला तो है कि इसमें हमें 3 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, लेकिन इसमें और एक फोर्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है आपका पेशेंस। हमें इस दूध को तब तक बॉईल करना है जब तक इसकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट हाफ ना हो जाए और ये काफ़ी थिक और क्रीमी ना हो जाए। दूध बॉईल हो रहा है और ये काफ़ी थिक भी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 15 चम्मच शक्कर। ध्यान में रखिए, सब्र का फल रिच और क्रीमी आइसक्रीम होता है। दूध को जल्दी से क्रीमी थिक टेक्सचर आए, इसलिए हम इसमें जनरली कंडेंस मिल्क, फ्रेश क्रीम, मिल्क पाउडर, ये वो सब कुछ ऐड करते रहते हैं, पर इससे कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन बढ़ता ही है। प्लस हमेशा ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास अवेलेबल हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। हम जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उससे भी हम काफ़ी रिच और क्रीमी टेक्सचर वाला आइसक्रीम बना सकते हैं, बस हमें लगेगा थोड़ा सा पेशेंस। देख सकते हो कि दूध एकदम थिक और क्रीमी हो गया है, इसकी क्वांटिटी भी ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है। गैस का फ्लेम अब हम ऑफ कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। कूल डाउन होने के बाद हमें इसे थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट करने रखना है। ठंडे क्रीमी दूध को और हमारे ठंडे मैंगो पल्प को अब हम मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ब्लेंड करना है 2 से 3 मिनट के लिए, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्मूथ और क्रीमी बन जाएगा। ब्लेंड करने के वजह से आपको काफ़ी क्रीमी टेक्सचर मिलेगा और क्रिस्टलाइजेशन भी अवॉइड होगा। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच इलायची का पाउडर डाला है, ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप मैंगो के पीसेस। फ्रीजर में से अब हम हमारे फ्रोजन मैंगोस को बाहर निकाल लेंगे और उसके ऊपर वाले पार्ट को सेपरेट करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा रिच क्रीमी मिक्सचर। तीनों आम में हमने ये मिक्सचर फिल कर लिया है, अब हम इसे कवर करेंगे इसके ऊपर वाले पार्ट से। अब हम इसे अच्छे से सिल्वर फॉइल से रैप कर लेंगे, जिसकी वजह से रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे, बिल्कुल भी क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। अब हम इसे 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। आप चाहो तो ये मिक्सचर को एयरटाइट कंटेनर या फिर कुल्फी वाले मोल्ड में डाल के रख सकते हो। 6 से 7 घंटे होने के बाद हम हमारे फ्रोजन मैंगोज को बाहर निकाल लेंगे। इसे थोड़ा सा पानी में डिप करेंगे। ध्यान रखिए कि ऊपर वाले पार्ट में पानी ना जाए। एक शार्प नाइफ से इसका ऊपर वाला पार्ट हम सेपरेट कर लेंगे और आप चाहो तो इसे पील कर सकते हो या फिर ऐसे ही कट करके कंज्यूम कर सकते हो। बिल्कुल रेडी है हमारा रिच क्रीमी मैंगो कुल्फी आइसक्रीम। अब देख सकते हो कितना अच्छा बना है, काफी क्रीमी टेक्सचर है, बिल्कुल भी क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुआ है। तो इस आम के सीजन में इसे बनाना तो जरूर बनता है। सो दिस समर सीजन बीट द हीट विद दिस क्रीमी मैंगोलिशियस कुल्फी आइसक्रीम। ट्रस्ट मी, आपने जो भी एफर्ट इसे बनाने में डाले हैं वो टोटली वर्थ इट है। तो अब इस लॉकडाउन के फेज में आपके घर में अवेलेबल होने वाले 3 बेसिक इंग्रेडिएंट से आप ये रिच क्रीमी आइसक्रीम बना सकते हो। तो इस गर्मी के मौसम में आप इस ठंडे क्रीमी मैंगोलिशियस कुल्फी आइसक्रीम को ज़रूर बनाइए, एंजॉय कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक दीजिए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें।